धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, मानव समाज में आप सब जानते हैं, देखते हैं, पढ़ते भी हैं कि मानव समाज में आज वैमनस्ता सूर्य, चंद्रमा, आकाश और पाताल के नाम से नहीं है। मानव समाज में झगड़ा, मतभेद, वैमनस्ता धर्म के नाम से है और ईश्वर के नाम से है, जबकि धर्म का काम है मानव से मानव को जोड़ना, मैत्रीय भाव जिसको कहा जाता है। इसीलिए वैदिक मान्यता है वसुधैव कुटुम्बकम्, पूरी वसुधा अपना कुटुंब है। इसमें परमात्मा ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, परमात्मा ने समान रूप से अपने ईश्वर पदत जितने भी सामान हैं, जितनी भी चीजें हैं, सबको मुहैया कराया। परमात्मा के पास भेदभाव नहीं है। आदि सृष्टि से लेकर के अब तक सूर्य, चंद्रमा, जल, वायु, आकाश, धरती आदि आदि ये जितने जो कुछ भी हैं सब ईश्वर के ही बनाए हुए हैं, ईश्वर प्रदत्त हैं, और ईश्वर प्रदत्त होने के कारण ईश्वर ने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। और ये किसी के साथ भी नहीं बोला कि ये सूर्य मैंने आर्य समाजियों को दिया, पर धरती को आर्यों को दिया है, ये तो वेद में आया है, अहम भूमिम आददाम आर्य, ये भूमि मैंने आर्यों को दी। आर्य कौन है? आर्य श्रेष्ठ जनों को कहा जाता है, श्रेष्ठ लोगों को कहा जाता है, जो गुण कर्म स्वभाव से श्रेष्ठ है, ईश्वर प्रदत्त विषय को जो अपने आचरण में उतारते हैं उन्हें आर्य कहा गया है। अपितु जब आर्य के बारे में पूछा तो आर्य नाम ईश्वर पुत्र ये बताए। तो ईश्वर पुत्र कैसे हैं कि ईश्वर में जो गुण है उन गुणों को जिन्होंने धारण किया है वही आर्य कहते हैं, कहलाते हैं, कहलाने के हकदार और अधिकारी हैं। जैसे ईश्वर में जितने भी गुण हैं, ईश्वर में गुण ही गुण है, ईश्वर में अवगुण नहीं। इसलिए वेद मुकद्दस में भी परमात्मा का यही उपदेश आया है कि एक ईश्वर को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करनी चाहिए। ओम सनो बंदुर जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थिति धामन धैर्य। ऐ लोगों, वह परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, वो सबका गुरु है, आचार्य, राजा और न्यायाधीश है, इसलिए सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग है। ये परमात्मा का उपदेश है। तो परमात्मा द्वारा जितने भी ये धरती पर ईश्वर पदत जितने भी सामान हैं वो सब मनुष्य मात्र को उससे लाभ उठाने के लिए परमात्मा ने दिया है, उसका दुरुपयोग करने के लिए नहीं। इसीलिए मैंने निवेदन किया कि ईश्वरीय ज्ञान आदि सृष्टि से परमपिता परमात्मा का एक है, जिसको वेद कहा जाता है। वेद के अर्थ ही होते हैं ज्ञान, वेद माने ज्ञान। तो परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान मानव मात्र के लिए है। यथे मम वाचम कल्याणी मा वदानि जनेभ्यः, यह कल्याणी वाणी मानव मात्र के कल्याण के लिए है। लेकिन जो मैंने बोला कि धर्म मनुष्य से मनुष्य को जोड़े और मत, मजहब, पंथ मनुष्य से मनुष्य को तोड़े, अलग करे, जुदा करे, विभाजित करे, मानव में भेद पैदा करे, तो आज संपूर्ण विश्व के आंगन में जो भयावह स्थिति है यही मानव समाज में, वो केवल और केवल धर्म के नाम से है, जबकि ये इसमें से एक भी कोई भी धर्म नहीं है।
धर्म तो मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, वो मैं पहले बहुत बार बोल चुका हूँ, अभी बोल रहा हूँ कि धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक होता है, अनेक होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एक पिता के कई पुत्र हैं और सब पुत्र के भिन्न भिन्न विचार हैं, भिन्न भिन्न मत हैं, भिन्न भिन्न ख्याल हैं, और शास्त्र का भी कहना यही है कि मुंडी मुन्नी मतिर भिन्न, के अलग अलग विचार हैं, अलग अलग ख्याल हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन पिता तो सबके एक ही हैं, सबको वल्दियत तो वही लिखना पड़ेगा ना जो उनके बाप हैं। तो बाप एक हुआ या अनेक हुआ? तो जैसा बाप अनेक नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार से धर्म भी अनेक नहीं हो सकता और ना धर्म ग्रंथ अनेक हो सकता है। ये मैं बहुत सहज भाव से बतला रहा हूं। तो दुर्भाग्य ये है कि आज इसी धर्म के नाम से मानव एक दूसरे के खून के प्यासे बने हुए हैं, एक दूसरे को कत्ल करने में जरा सा भी संकोच नहीं कर रहे हैं, न करते हैं। पर ये आज से नहीं है, ये बहुत पहले से चलती चली आ रही है। विशेष करके आज संपूर्ण विश्व के आंगन में जो इस्लामी आतंकवाद आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इन इस्लाम वालों ने संपूर्ण विश्व को इस्लामिक देश बनाने का षड्यंत्र रचा है। इस्लामिक देश यानी संपूर्ण विश्व को इस्लामीकरण करना, ये इनका मकसद और उद्देश्य है। और इसलिए आप देखेंगे कि इसी धरती पर समय समय कुरान पर, बाइबल पर आपत्ति लोगों ने उठाई है कि यहां पर मारने काटने लूटने पीटने की बातें हैं। जैसा कुरान पर प्रतिबंध लगा था 1928 में रशिया के अंदर में, ये जब रूस पर कुरान पर प्रतिबंध लगी हुई थी, पाबंदी लगी थी, उसका यह दृश्य है। ये रूस पर प्रतिबंध लगाया गया था मदरसों पर, क्योंकि मदरसा की पढ़ाई कुरान और हदीसों की पढ़ाई है, वहां पर इतिहास नहीं, भूगोल नहीं, प्रकृति परिचय नहीं, विज्ञान नहीं, इतिहास नहीं। अगर इतिहास है तो केवल इस्लामिक इतिहास पढ़ाई जाती है। उसके बाद आप देखेंगे चीन में भी प्रतिबंध लगा है, चीन में तो कितना प्रतिबंध इस्लाम पर है वो सब आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन चीन पर किसी की जुबान खोलने की हिम्मत नहीं है। चीन पर कोई इस्लाम वाले जुबान नहीं खोलते। अब डेनमार्क में पिछले दिन के कार्टून बना, अब कार्टून किसका था इसका भी अता पता कुछ नहीं, बस मोहम्मद का कार्टून बना दिया ये बताया गया, ये प्रचार हुआ, और भारत भर में तांडव मचाया गया, भारत के संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, तोड़फोड़ हुई। याकूब कुरैशी मेरठ का, जो मायावती के पार्टी से चुन करके आया था, उसने भी उस कार्टूनिस्ट को मारने के लिए कितना करोड़ रुपया देने के लिए बोला, ऐलान किया, घोषणा की, और सोने से तौलने की भी बात की। ये सब हुआ है इसी भारत में। इसी कुरान पर दिल्ली के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने पिछले 1984 में 24 आयतों पर प्रतिबंध लगाने के लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के सामने रिट दायर की थी। उसके बाद 1985 में कलकत्ता हाई कोर्ट में चांदमल चोपड़ा नाम के वकील ने और शीतल सिंह ने कलकत्ता हाई कोर्ट में भी केस दायर किया था। पर आर्य समाज में बहुत पहले से ये बातें चलती चली आ रही है। आर्य समाज के विद्वानों ने
इस पर बहुत काम किया है और शास्त्रार्थ भी किया है। जिस शास्त्रार्थ में जब लोग परास्त हो गए, जब जवाब नहीं बना, तो पंडित लेखराम जी को अपना प्राण दे करके इसको चुकाना पड़ा। उन दिनों में शास्त्रार्थ के माध्यम से ईसाई और इस्लाम वालों को जवाब दिया जाता रहा, सब परास्त होते गए। लेकिन मैं कुछ और बात को लेकर के आज बैठा हूं आप लोगों के सामने कि वो जहां तक कत्ल करने की बात है, जहां तक लड़ाई लड़ने की बात है, जहां तक जिहाद करने की बात है, जहां तक एक दूसरे को इस्लाम स्वीकार न करने पर मौत के घाट उतारने की बात है, वो तो कुरान में है, बाइबल में भी है। लेकिन आज इससे हट करके मैं कुछ और बातों को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं कि जिस कुरान और बाइबल को धरती पर विचरण करने वाले, मानव कहलाने वाले ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, इसका ईश्वरीय ज्ञान होना संभव है या नहीं, इसका एक छोटा सा पड़ताल मैं आप लोगों को दे रहा हूं या आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जिस कुरान को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं, वही कुरान खुद कहा है, बहुत बार बोला हूं, कल वाला वीडियो में भी बोला हूं, परसों वाला वीडियो में बोला हूं कि अल्लाह ने बताया कि यह किस्सा कहानी की किताब है। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल कसस बिमा वहैना इलैका हाज़ल कुरान वइन कुंत मिन क़ब्लिही लमिनल ग़ाफ़िलीन। सूरह यूसुफ के अंदर में बताया है कि मैं उन्होंने किस्सा बयान कर रहा हूँ, इस किस्से से तुम गाफिल थे, इस किस्से को तुम नहीं जानते थे, ऐसा किस्सा मैं कुरान के माध्यम से बयान कर, तो कुरान में एक किस्सा नहीं, ऐसा किस्सा ही किस्सा है। अभी आप लोगों को मैंने दिया अल्लाह का ऊँटनी भेजना, अल्लाह ने समूद कौम को किस तरीके से मिटाया ऊँटनी भेज करके, उस ऊँटनी को मारने के बाद जिस ऊँटनी का पैर काटा गया उसको मार दिया गया, वो भेजा वो ऊँटनी अल्लाह का था, उसको मारा, उस कौम को तबाह कर दिया। उसके बाद आपने देखा हजरत लूत को, कि लूत के कौम को किस तरीके से तबाह किया गया। इब्राहिम के पास फरिश्ते आए और फरिश्तों ने इब्राहिम को खुशखबरी दी, तुम्हारे घर में संतान आने वाला है, बच्चा जन्म नहीं हुआ, उस बच्चे का नाम भी बता दिया। उस बच्चे, जिस बच्चे का जन्म नहीं हुआ उसकी कब शादी होगी, फिर उसके घर में कब बच्चा होगा, उस बच्चे का भी नाम बता दिया। इसहाक इब्राहिम के बच्चे का नाम, बेटे का नाम बताया, और उस इसहाक के घर में आने वाला बच्चा याकूब, उसका भी नाम बता दिया। यह क्यों और कैसा संभव हो रहा है, मानवता के दायरे में ये सब सच मानने के लिए उचित हो रहा है या अनुचित, ये सब मैं आप लोगों के सामने अब तक प्रस्तुत कर चुका हूं। आज मैं यह आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है कि सूरह हूद आयत नंबर 82 और 83 में, यहां क्या बताया है जरा और फिक्र करेंगे आप लोग। यहां अल्लाह ने जिक्र फरमाया कि फलम जाअ अमरुना जअलना अलैहिमा साफिलहा व अमरुना अलैहा हिजारतम मिन सबील मंजूद मुसव्वमातिन इंद रब्बिका व मा हिया मिनल ज़ालिमीन बिबईद। क्या बोला इब्न कसीर में, क्या लिखा है वो मैं आप लोगों को दर्शा रहा हूं। फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, किसका, अल्लाह का, फिर जब हमारा हुक्म आ पहुंचा हमने उस बस्ती को तहस नहस कर दिया, उलट उलट कर दिया, ये अल्लाह का काम है देखिएगा, और ऊपर के हिस्से से नीचे के हिस्से तक उसको कंकड़ियों से मार करके, नोकीला कंकड़, नोकीला कंकड़ों से मार करके उसको बिल्कुल उथल पुथल बचा दिया, उथल पुथल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। निशानदार थे तेरे रब की तरफ से और उन जालिमों से कुछ भी दर्द नहीं थे, उस जालिमों से अल्लाह की कोई भी हमदर्दी नहीं थी, अल्लाह ताला के
उन जालिमों को, किन जालिमों को? यहाँ इब्न कसीर में यही बताया गया है कि लूत के काल में, यहाँ तीन कौम, इब्न कसीर में, इब्न कसीर के पेज नंबर 615-616 ये बतलाता है कि लूत के काल में वहां पर तीन गांव थे, तीन गांव बताया है। अब इनके तीन गांव ही इनकी दुनिया है। तो उस काल में जो मैं बताना चाह रहा हूं वो और करने वाली बात है, देखिएगा। उस काल में जब पुरुष पुरुषों से बदफेरी करते थे, बुराई करते थे, यौन क्रिया करते थे, तो अल्लाह को रास नहीं आया, अल्लाह ने फरिश्ता भेज दिया। तो फरिश्ता पहले इब्राहिम के घर आए, इब्राहिम को सूचना दिया बच्चा होने का, पोता होने का, फिर चले गए लूत के यहां। लूत के यहां जाकर के उन्होंने देखा, सब कुछ हुआ, वो मैं थोड़ा बता दिया था कल वाले वीडियो में, परसों वाले वीडियो में। और यहां पर अल्लाह ने फरिश्तों को भेज करके उस गांव के लोगों को तहस नहस कर दिया, बिल्कुल बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। किस लिए? कि पुरुष पुरुषों से बदफेरी करते थे, इसलिए। अब यहां इब्ने कसीर में यह बतलाया गया है कि वो जो फरिश्ते थे, फरिश्ते कैसे थे, वो खाते नहीं थे। अब देखिए, फरिश्ते बात कर रहे हैं, पैगंबर से बात कर रहे हैं, और फरिश्तों को खाना नहीं पड़ता, फरिश्तों के पंख होते हैं। किसी इंसान का पंख होना ये क्यों और कैसा संभव होगा? खाते नहीं हैं तो वो जीते कैसे हैं बिना खाए? चलो, ये सब अल्लाह का मसला है, अल्लाह तो जो चाहेंगे सो होंगे, जो चाहेगा सो करेगा। तो उन फरिश्तों को भेज करके जब अल्लाह ने उन कौम के, लूत के कौम के लोगों को सजा दिलाने की व्यवस्था की, तो फिर ऊपर से नोकीले और पत्थर भेजने का क्या काम था? पत्थर बरसाने का क्या काम था? फरिश्ते तो आया ही था उनको बर्बाद करने के लिए, अल्लाह को फिर पत्थर बरसाना क्यों? अगर अल्लाह को पत्थर ही बरसाना था तो फरिश्ते भेजने का क्या मामला था, क्या बात थी? केवल इतना ही नहीं, मैं पूछना चाहता हूं कि लूत के कौम के लोग एक दूसरे से बुराई करते थे, इसलिए उनको यह सजा मिली, उन्हें यह सजा दी गई, या अल्लाह के तरफ से उनको यह सजा मिली? तो क्या केवल पुरुष पुरुषों से ही बदफेरी करने वाले लोग थे? अगर थे तो उन महिलाओं को क्यों मारा गया? महिलाएं थी कि नहीं वहां पर? उन महिलाओं की गलती क्या थी? उन महिलाओं को भी नाश कर दिया, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उन पुरुष और महिलाओं के कुछ संतानें भी थे कि नहीं? अगर पुरुष पुरुषों से बदफेली करते तो संतान होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता फिर, पहली बात। दूसरी बात यह है, अगर बच्चे थे, संतानें थी उनकी, तो उन बच्चों को मारने का दोषी कौन है? उन निर्दोष बच्चों को हत्या करने का दोषी कौन है? इसी का नाम अल्लाह है, इसी का नाम कुरान है। आप इब्ने कसीर में बड़े अंदाज से इसको लिखा गया है, क्या बोला गया देखिएगा। और यहां ये बता रहे हैं कि जैसा आज के एटम बम है, वो पत्थर, जो पत्थर की जो बारिश हुई वो एटम बम का काम किया है, कि सूरज के निकलने के वक्त अल्लाह का अजाब ऊपर से आ गया और उनकी बस्ती सुदूम नामी तबाह वो हलाक कर दी गई। अजाब ने ऊपर तले से ढांक लिया, आसमान से पक्की मिट्टी के पत्थरों पर बरसने लगे, जो सख्त वजनी और बहुत बहुत बड़े बड़े पत्थर थे। सुबह सही बुखारी शरीफ में है कि सजीनुन से जील, ये दो शब्द आया है कि ये दोनों एक ही में मौजूद है,
मुराद ये है कि वो तबाह कर दिया, इसके बाद सबको तबाह कर दिया गया। इन पत्थरों पर कुदरती तौर से उन लोगों के नाम भी लिखे हुए थे। सुनिए दुनिया वालों, जरा दिमाग लगाइए कि जिसको लोग कलामुल्ला कह रहे हैं, जिसको लोग ईश्वरीय ज्ञान मान रहे हैं, मैं चुनौती दे रहा हूं, जो इस्लाम के नाम और ये कुरान के नाम डिंग हाँकते हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक को आओ मैदान में आओ। उन पत्थरों में सब लोगों के नाम लिखे हुए थे। मैं नहीं कह रहा हूं, इब्ने कसीर में बताया गया है, पेज नंबर 616-615 में सब नाम लिखे हुए थे, जिनके नाम पत्थर में उसी पर ही गिरता था, जिन पर उनके नाम लिखे थे पत्थर उन पर गिरता था। मैं पूछना चाहता हूं अल्लाह से और अल्लाह के इन बंदों से, पत्थरों पे नाम किस चीज से लिखा गया था? आ मैदान में कौन आ रहा है? मुफ्ती यासीर यजदी का समाप्त हो गया है, वीडियो बनाना बंद हो गया उसका, ये जितने भी चीर को करने वाले थे सबका बंद हो गया है। मैं दावा के साथ कह रहा हूं ये सच होना क्यों और कैसा संभव है। उन पत्थरों में जो नाम लिखा हुआ था, जितने लोग थे उन्हीं जिनके नाम लिखा हुआ था उन पर आ गिरते थे। मैं पूछना चाहता हूं पत्थरों पर नाम किसने लिखा था? अगर लिखा अल्लाह ने, अल्लाह के फरिश्तों ने, किस चीज से लिखी गई थी? पत्थरों पर नाम लिखने के लिए कलाकारी क्या होना चाहिए? वो सब औजार कहां थे? वो सब सामान कहां था? ये जो गप महागप है, ये गप केवल कुरान में नहीं, बाइबल में भी यही गप है। ये गप और गप्पा दोनों मिल करके बताए। और चलिए आगे क्या बोल रहे हैं कि वो मसल तो के थे जिस सुर्खी में कि वो डूबे हुए थे, ये इन शहरों पर भी बरसे और यहाँ के जो लोग और गांव कोण में थे उन पर भी वही गिरे। इनमें से जो जहां था वही पत्थर से हलाक किया गया। कोई खड़ा हुआ किसी जगह किसी से बात भी कर रहा था, वहां भी पत्थर आसमान से आया और उसको हलाक कर दिया गया। गर्ज इनमें से एक भी ना बचा। हजरत मुजाहिद फरमाते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इन सब को जमा करा के इनके मकानात और मवेशियों समेत ऊंचा उठा लिया। यहां तक कि उनके कुत्तों के भौंकने की आवाज भी आसमान के फर्शों ने सुन ली। क्या तमाशा है, देखिए क्या वाहियात की बातें हैं, जिसको कलामुल्ला कहा जा रहा है। यहां से कुत्तों की आवाज भी अल्लाह के फर्श तक सुनाई दिया, आसमान के फर्शों तक सुन लिए। आपने दाहिने पर के किनारे पर उनको बस्ती को उठाए हुए थे। कौन? जिब्राइल। अपने दाहिने पंख के किनारे से उन पूरे बस्ती को उठाए हुए थे, फिर उन्हें जमीन पर उलट दे मारा। क्या तमाशा है। अच्छा, फरिश्तों से ये काम करवाया गया तो फिर ऊपर से पत्थर बरसाने का क्या काम था भाई? ये अपने आप के बात में अपने आप में ही फंसे पड़े हैं। इसीलिए तो मैं दावा के साथ कह रहा हूं कुरान को कोई कलाम लक्षित करके दिखाए। आगे देखिए क्या बोलता है, पलट लिया, एक दूसरे से टकरा दिया और जब एक साथ गारत हो गए, इक्के दुक्के जो रह गए थे उनके पीछे आसमानी पत्थरों ने तोड़ दिए और महल बेनाम निशान कर दिए गए। इनको बस्तियों को बेनाम निशान कर दिए गए। बड़ी बस्ती का नाम सदूम था। यहां कभी कभी खलीलुल्लाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आकर के वाज नसीहत किया करते थे। फिर फरमाया कि ये चीजें कुछ उनसे दूर न थी। सुनन की हदीस में यह लिखा हुआ है कि किसी को अगर तुम लवातत करता हुआ पाओ, लवातत एक दूसरे पर चढ़ता हुआ,
लवातक माने एक दूसरे पर चढ़ा हुआ, पुरुष पुरुषों से जो यौन क्रिया करते थे ना, एक दूसरे से चढ़ा हुआ पाव, ये इब्न कसीर में लिखा है, लवातत करते हुआ पाव, तो उनको भी, उन दोनों को, नीचे वाले दोनों को, ऊपर वाले को, नीचे वाले दोनों को कत्ल कर दो, ये हुक्म इलाही है। इसलिए मैं आज दुनिया वालों को दो टुक में ये बताना चाहा, ये मारो काटो लूटो पीटो की बातें तो हैं कुरान में, लेकिन ये जो किस्सा मैं बता रहा हूं कि जो किस्सा यहां कुरान में अल्लाह ने बताया है, लिखा है, ये मानवता के दायरे में आएगा या नहीं आएगा? आज लोग चांद में घूम रहे हैं, और ऐसे दिमाग वाले जब इस किताब को पढ़ेंगे, इस पर चिंतन और विचार करेंगे, क्या यही काम अल्लाह का है? अल्लाह के जिम्मे में और कोई काम नहीं है? अल्लाह एक दूसरे को मारने मरवाने की बात करते हैं और फरिश्ता भेज करके ही दुनिया वालों को मरवा देते हैं, लेकिन ये बात काबिले कबूल क्यों और कैसे है? मैं सवाल उठाया कि सवाल पत्थरों पर नाम जो लिखा गया, किसने लिखा, किस चीज से लिखी गई, उन सब का नाम लिखने वाला कौन था, उस कौम के लोगों में बच्चे थे या नहीं, उन बच्चे को, बेगुनाह बच्चे को मारा गया, उसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन बेकसूरों को मारना ये अल्लाह के पास न्याय है या अन्याय है, उन महिलाओं को क्या गलती थी जिन महिलाओं से पुरुष यौन क्रिया न करके मर्दों से यौन क्रिया करते थे, उन महिलाओं को क्या गलती थी, उन महिलाओं को अल्लाह ने पैदा ही क्यों किया था, आदि आदि ये सब वाहियात की कहानी कुरान और बाइबल भरी पड़ गई है। इसीलिए मैं आज भारतवासियों से, विशेष करके हिंदुओं को ये चेतावनी दे रहा हूं कि आज ईसाई लोग जो यत्र तत्र हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए जो मिशनरी के लोग घूमते फिरते हैं, उन्हें केवल इतना बोलना कि तुम सब छोड़ो, लूत का किस्सा को पढ़ करके सुनाओ, और लूत का किस्सा को जब वो पढ़ करके सुनाएंगे तो आप वहां भी यही देखेंगे कि लूत के काल में जो लोग थे वो पुरुष पुरुषों से बदफेली करते थे, उनको अल्लाह ने हलाक कर दिया, गॉड ने, यहोवा ने नाश कर दिया, उनसे भी यही सवाल पूछना कि उन जो तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया बस्तियों को, उन बस्तियों में रहने वाले केवल पुरुष थे या महिलाएं थी, बच्चे भी थे, उन महिलाओं और बच्चों को क्यों मारा गया? पादरी हो या पादरी का बाप, मरते दम तक इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इसीलिए मेरे से घबराते क्यों हैं पादरी लोग और मौलाना लोग? यही तो कारण है कि ये सब के सब निरुत्तर हैं, किसी के पास कोई जवाब नहीं है। यहां मारने का काटने वाली बात तो यहां दुनिया में गैर मुस्लिमों को मारो काटो हो रहा है, लेकिन अल्लाह ने सब जगह मारामारी का काम किया है। अल्लाह ने कौम के कौम के लोगों को तबाह कर दिया, समूद के कौम को तबाह कर दिया, लूत के कौम को तबाह कर दिया, नूह के कौम को तबाह कर दिया, वो नमरूद के कौम को तबाह कर दिया। ऐसा ही कुरान भरा पड़ा है, बाइबल भरा पड़ा है किस्सा कहानी से। इसीलिए मैं केवल दो टुक में आप लोगों तक अपनी बातों को ये पहुंचा देना उचित समझा कि आज संपूर्ण मानवता पर कुठाराघात हो रहा है इन किताबों के माध्यम से, और इन किताबों के नाम से एक दूसरे को कत्ल करने में लोग तुले हुए हैं। मुझे भी धमकी पर धमकी दिए जा रहे हैं। अरे काहे का धमकी दे, तुम अपनी किताब में देखो ना, जो कुछ भी मैं बोलता हूँ कुरान से ही बोलता हूँ। अब रही बात, यहाँ एक चीज मैं आज आप लोगों को और खुलासा कर देता हूँ। कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये है, कुछ लोग कहते हैं कि कुरान से होने के लिए वो हदीस पढ़ना पड़ेगा और किताबों को देखना पड़ेगा। इसका शान नुज़ूल क्या है वो मैं आप लोगों को बता दिया, किस बिना पर, किस आधार पर ये आयत उतरी वो मैं बता दिया हूँ आप लोगों को। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हदीस पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, कुरान और किताबों देखने के लिए बोल रहे हैं, इसको उसको देखो, ये आगे पीछे देखो, टेस्ट कॉन्टेस्ट देखो, ये देखो, अरे कॉन्टेस्ट देखो या टेस्ट देखो, इसकी जो मैं आयत सुनाया हूँ इसके लफ्जी मानी को काट सकता है कोई? इसके लफ्जी मानी को बदला जाना संभव होगा क्या? इसके अर्थ को बदला जाना संभव है क्या? बिल्कुल संभव नहीं है, बिल्कुल संभव नहीं है। तो जब लफ्जी मानी को काटना या हटाना, समाप्त करना संभव नहीं है, तो फिर इस किताब को पढ़ो, उस किताब को पढ़ो का क्या मतलब है? कॉन्टेस्ट पढ़ो और टेस्ट पढ़ो, कॉन्टेस्ट पढ़ो और टेस्ट पढ़ो, जो कुछ पढ़ना हो तुम्हें पढ़ना हो पढ़ लो,
लेकिन जो मैं पढ़ रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, इसको काट के दिखाओ। अगर तुम्हारी किताब में ना हो तो उसके लिए मैं दोषी हूं, और अगर किताब में है, अरे सत्या प्रकाश केस तो दिल्ली हाई कोर्ट से जीता मैं इसी आर्गुमेंट में। मैंने अपने 3 जजों के पास वो केस हमारा घूमता रहा, और जो कल वाला वीडियो में मैंने दिखा भी दिया कि अग्निवेश का कराया हुआ था, तो 3 जजों के बीच में वो केस घूमता रहा। और बंबई आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान माननीय बाबू मिठाईलाल जी ने उसको पुस्तक आकर दे दिया है, पुस्तक के रूप में उसको छापा गया है, सत्या प्रकाश केस क्या था। आज अगर हमारे एडवोकेट विमल बधावन जी ना होते तो उस केस को जीता जाना भी संभव नहीं था। यद्यपि विमल बधावन जी को आर्य समाजियों ने किसी ने पसंद नहीं किया, तो उन्होंने भी सब जगह से इस्तीफा दे दिया, त्याग पत्र दे दिया, वो कहीं के भी सदस्य नहीं है आज। तो मैं निवेदन कर रहा हूं, यही हमारा आर्गुमेंट था। मैंने ढेंगरा साहब के दिल और दिमाग में इन बातों का भरने का प्रयास किया कि ऋषि दयानंद ने सत्या प्रकाश में जहां से लिया है, कहीं से लिया है, तो मूल ग्रंथों में ये बातें हैं या नहीं वहां देख लिया जाए। जब मूल ग्रंथों में यही बातें हैं तो वहां से उठा करके लिया, तो इस पर दोष क्यों धर रहे हैं? जिस किताब में लिखी हुई है तो पहले उसको हटाए। ऋषि दयानंद ने तो सत्या प्रकाश के भूमिका में यही लिखा है कि मैंने अपने तरफ से नहीं लिखा, जो कुछ भी लिखा मैं शाह रफीउद्दीन अहमद देहलवी के कुरान से मैं लिया हूं। अगर कुछ कहना हो तो उनको कहो। मैं भी यही निवेदन कर रहा हूं, अगर मेरी बात झूठी है, कुरान में नहीं है, तब मैं दोषी हूं, और अगर कुरान में है जो मैं बोल रहा हूं तो ये सच बोल रहा हूं या झूठ, इस पर चिंतन और मनन करना चाहिए। पर इस्लाम के पास जिन लोगों ने अपने दिमाग को गिरवी रख रखा है, जब तक उसकी रुखसती नहीं होगी तो ये बातें उनकी समझ में नहीं आएगी। ये किस्सा और कहानी की किताब है, ऐसे किस्सा कहानी ईश्वरीय ज्ञान में होना संभव नहीं है। यही कारण बना कि जाकिर नाइक डिग हांकते हैं कुरान में है सिमिलरिटी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम। अरे कुरान में है ये किस्सा, ये बाइक वेद में कहां है? वेद में किसी भी हमारे 1132 शाखाएं हैं संपूर्ण वैदिक सिद्धांत और वैदिक मान्यता की, किसी भी जगह ऐसी किस्सा को दिखा दो, ऐसे किस्सा कहानी की गुंजाइश वेद में नहीं है। इसीलिए मैं दुनिया वालों को दावत दे रहा हूं कि परमपिता परमात्मा एक है, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, स्थिति करता और प्रलय करता है, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फलदाता है। मानव मात्र को चाहिए कि उस परमात्मा का सानिध्य लाभ करने के लिए परमात्मा का आदेश का पालन करते हुए अपने मानव जीवन को सफल बनाए। हमें दुनिया से जाते समय मानव बन करके ही जाना युक्ति युक्त होगा। हम इन हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध ईसाई इनके चंगुल से बाहर निकले, मानवता का उद्धार करें, मानवता को हम उजागर करें। मानवता को जान उजागर करने से पहले मानवता को जानना पड़ेगा, मानवता को जाने बिना मानवता का उजागर करना संभव नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी कहीं पर विराम दे रहा हूँ। मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि ये वीडियो लगते ही आपके साथ आपके हाथ लग जाए, आपके पास पहुंच जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विचार विराम दे रहा हूं। इसीलिए मैं ये कहूंगा कि उन्जुर इला मा काला वला तंजुर इला मन काला। मैं कौन कह रहा हूं मुझे ना देखो, मैं क्या कह रहा हूं उस पर विचार करो, और विचार करते हुए सामने आओ। डिबेट के लिए स्वागत मैं करता आया हूं, स्वागत करूंगा, खुला दरबार है, दिल्ली में बैठ करके डिबेट करेंगे, पूरी व्यवस्था हमारी होगी, स्टैम्प पेपर में लिखा पढ़ी करके ही हम डिबेट करेंगे। अगर डिबेट करने के इच्छुक बंधु हैं तो पहलवान धर्मवीर जी का नंबर मैं दे चुका हूं, उस नंबर से आप संपर्क करें, पूरी व्यवस्था हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सब लोगों को धन्यवाद। भारत माता की जय।